अशोका बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज मल्टीपर्पज सोसाइटी परिवर्तन युवा मंच बोधि वृक्ष बुद्ध विहार इनके संयुक्त तत्वावधान में बेसहारा जरूरतमंद और कामगारों को 1 मई कामगार दिन के अवसर पर अनाज किट का वितरण किया गया है। इस मौके पर भंते हर्षदीप और भंते अभय नायक मौजूद थे। मानवता हाईस्कूल में अशोका बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज मल्टीपर्पज सोसाइटी परिवर्तन युवा मंच बोधि वृक्ष बुद्ध विहार इनके संयुक्त तत्वावधान में बेसहारा और जरूरतमंदों को और 1 मई कामगार दिन के अवसर पर कामगारों को अनाज किट का वितरण किया गया। पिछले 22 मार्च से शुरू किए गए इस अनाज वितरण किट को आज पूरे 36 दिन हो चुके हैं और इसके आगे भी जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक अनाज किट का वितरण ऐसे बेसहारा और जरूरतमंदों को किया जाएगा। ऐसी जानकारी इन विषय समक्ष भंते हर्षदीप और भंते अभय नायक इन्होंने दी है। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में, ऐसे में बेसहारा जरूरतमंद लोगों को भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में शहर की कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो 1 मई के उपलक्ष्य को देखते हुए कामगारों को, बेसहारों को और जरूरतमंदों को अनाज का वितरण कर रहे हैं। पिछले 36 दिनों से इनका ये कारवा लगातार जारी है। लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं। आनंद का मतलब यह है कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि उनके जो चूल्हे जल रहे हैं इन लोगों की वजह से जल रहे। पिछले 36 दिनों से ये लोग लगातार उनको अनाज की किट दे रहे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं ये स्वयंसेवी संस्था के तमाम लोग। इस समय में भंते जी हर्षदीप हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। भंते जी, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये कामकाज जो किया जा रहा है, अब तक क्या आपने कई लोगों को किट भी बांटे हैं, ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है और क्या सिर्फ लॉकडाउन के चलते ही ये काम होगा कि इसके आगे भी पहल होगी? सबसे पहली बात यह है कि आज आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आज कोरोना ये जो वायु है इसके माध्यम से किस प्रकार से समाज में एक वातावरण निर्माण हुआ और उसके दृष्टिकोण से हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने संपूर्ण भारत देश में संचारबंदी लागू की है। लेकिन इस संचारबंदी के माध्यम से इस प्रकार का वातावरण हुआ कि आज हर जो कुछ भी अपना जीवन सामान्य आदमी बसर कर रहा था उसका चूल्हा जलना बंद हो गया। अगर उसी प्रकार के कंडीशन को देखते हुए फिर हमने समाज में कुछ लोगों से बातचीत की और इस माध्यम से ये जो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिनको कुछ खाने को मिल नहीं रहा उनको अच्छी तरह से भोजन किस तरह से मिले, इस माध्यम से हमने फिर 22 तारीख से अपना काम शुरू कर दिया। इसके माध्यम से आज हर किसी का चूल्हा जल रहा है। आज बहुत सी ऐसी माताएं हैं, भगिनी है, विधवा लोग हैं, उसके साथ साथ कुछ बुजुर्ग है जिनका कोई नहीं है और उन्हीं लोगों का सहारा बनने का हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जिस तरह से हम पहले भी काम करते थे आज इस कंडीशन में काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर समाज में कुछ कंडीशन प्रॉपर नहीं रहेंगे तो उसके साथ हम लोगों का साथ देना चालू रखेंगे। जो गरीब वर्ग है उनको ठीक ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने जैसे बाकी स्वयंसेवी संगठना ने उन्हें जो काम कर रहे हैं वैसे ही अशोका बुद्धिस्ट माइनॉरिटी मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से हम लोग डेली 150 अनाज के किट तैयार करके हम उन लोगों को तक पहुंच रहे हैं ताकि उनके घर का चूल्हा जले और वो खुश रहे। ऐसे ही हमारा काम चलता है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल, तो आप थे भंते जी जिन्होंने बखूबी और बेबाक के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से इनका कामकाज चालू है। जो काम करना चाहते हैं उन्हें उजाला दिखता है, जो काम नहीं करना चाहते उन्हें अंधेरा दिखता है। लॉकडाउन के चलते जहां कोरोना वायरस एक अंधेरे की तरह है लेकिन इसमें उजाला करने का काम कुछ ऐसे स्वयंसेवी संस्था ऐसे बहादुर जवान भी कर रहे हैं जिसके चलते लोगों का चूल्हा फिर से एक बार गर्म हो चुका है, लोगों को 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है। नागपुर के मानवता हाईस्कूल से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, इन बी सी न्यूज़ नागपुर।